आज संसद में पेश होगा 2022-23 का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस बार चौथी बार संसद में बजट पेश करेंगी। सुबह 9 बजे से इंडिया टीवी पर दिन भर देखिए बजट पर स्पेशल कवरेज। अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट मौजूद होंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी पेपरलेस पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। कोरोना महामारी के चलते लिया गया फैसला। इस बार के बजट को यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सांसद बजट के दस्तावेजों को इसी ऐप पर देख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बजट पेश होने के बाद आम आदमी भी ऐप के जरिए बजट को पढ़ सकता है। ऐप को indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। मंत्रालय के मुताबिक मोबाइल ऐप को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सुबह 8:40 पर नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना होंगी। आज सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 के बाहर फोटो सेशन का होगा कार्यक्रम। सुबह 9:25 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पर सहमति के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी। सुबह 10 बजे संसद भवन में जाएंगे वित्त मंत्री। 10:10 पर बजट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक की जाएगी। सुबह 11 बजे से संसद में बजट का किया जाएगा पेश। दोपहर 4:15 बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। आज बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। विकास दर 8 से लेकर 8.5% रहने की उम्मीद जताई। कोरोना का कृषि सेक्टर पर असर नहीं, 3.6% के मुकाबले 3.9% रही है विकास दर। सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ कल से शुरू हुआ है बजट सत्र। राष्ट्रपति ने 52 मिनट की स्पीच में सरकार के विकास कार्यों को बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जहां पर इंटरनेट कॉस्ट सबसे कम और स्मार्टफोन सस्ते दाम पर मिलते हैं। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में किए जा रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। 7 मेडिकल कॉलेज के अलावा 2 एम्स बन रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में मुस्लिम महिलाओं के उत्थान, किसानों को आर्थिक सहयोग और टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन का भी जिक्र किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस का निशाना। खड़गे ने कहा कि बेरोजगारी, मुद्रास्फीति जैसे मुद्दों पर बात नहीं की गई। बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन को भरोसा, बजट में बिहार को भी मिलेगी मदद। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष से सार्थक चर्चा की अपील। उम्मीद है कि बजट सत्र में खुले मन से चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में 25 पार्टियों ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सांसदों को पहले सत्र में बजट से जुड़े हर मुद्दे उठाने को कहा गया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कई पार्टियों ने पेगासस का मुद्दा उठाया था, हमने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी कर रही है जांच। यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी सरकार। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन को 242 से 244 सीट मिलने की उम्मीद। सपा गठबंधन को 148 से 150 सीट मिलने का अनुमान। बीएसपी को 4 से 6 और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद। सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ 38% लोगों की पहली पसंद। 31% लोगों ने अखिलेश पर मुहर लगाई। वेस्टर्न यूपी के जाटलैंड में 60% जाट वोट सपा गठबंधन के साथ बीजेपी के फेवर में 30% जाट वोट। पूरे यूपी में 80% मुस्लिम वोट सपा गठबंधन के साथ। ओपिनियन पोल के मुताबिक ओबीसी को नहीं मिल रहे हैं मुसलमान के वोट। ब्राह्मण वोटर्स की पहली पसंद अब भी बीजेपी। करीब 65% ब्राह्मणों को योगी के साथ। पिछड़े वर्ग में हो सकता है जबरदस्त बंटवारा। 79% यादव वोट अखिलेश के साथ, गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ। पश्चिम यूपी में बीजेपी प्लस को मिल सकती है 58 से 62 सीट और सपा गठबंधन को 34 से 38 सीट मिलने का अनुमान। रोहिलखंड में सपा गठबंधन को मिल सकती है 28 से 30, बीजेपी को 22 से 24 सीट। अवध में बीजेपी गठबंधन को 66 से 68 जबकि सपा गठबंधन को 39 से 41 और बीएसपी को 1 से 3 सीट मिलने की उम्मीद। बुंदेलखंड में बीजेपी को 16 से 18 और दूसरे सपा प्लस को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। पूर्वांचल की 124 सीटों में से 74 से 78 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना। सपा गठबंधन को 40 से 44, कांग्रेस और बीएसपी के खाते में 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान। चुनाव प्रचार के नियमों में चुनाव आयोग का फैसला, अब 1000 लोगों के साथ कर सकते हैं सभा। 20 लोगों के डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत। यूपी के रन में पीएम मोदी की वर्चुअल एंट्री। माफियाओं से दंगा तक को लेकर अखिलेश पर जमकर प्रहार किया। अखिलेश के सपने पर पीएम की चुटकी, जो सोते हैं वही देखते हैं सपने, जो जागता है वो संकल्प लेता है। पीएम का अखिलेश पर बड़ा हमला। यूपी जब दंगे की आग में जल रहा था तो उत्सव मना रही थी सपा सरकार। आज मेरठ और गाजियाबाद पहुंचे के सीएम योगी मतदाता संवाद के लिए लोगों के साथ जुड़ेंगे। दोपहर को 12:15 से 2:45 तक मेरठ में रहेंगे योगी आदित्यनाथ और किठोर में तलवा खास में इलाके में मतदाताओं से बातचीत करेंगे। दोपहर 3 बजे से शाम को 4:15 तक गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। वोटर से बीजेपी को मजबूत करने की अपील करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचेंगे मेरठ, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। एसपी से बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव आज रायबरेली पहुंचेंगी, बीजेपी नेता अदिति सिंह के लिए वोट मांगेंगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पहुंचेंगे मथुरा, नंदगांव, छाता और बलदेव गांव का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन भरा, बोले मेरी जीत तय, इस क्षेत्र का नेताजी और पार्टी से पुराना रिश्ता।
अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक जीत का जताया भरोसा, कहा कि नेगेटिव राजनीति करने वालों का सफाया होगा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गाजियाबाद के डासना में किया डोर टू डोर कैंपेन, प्रचार में जुटी हजारों की भीड़। योगी का अखिलेश पर अटैक, नाम के हैं समाजवादी, सोच से ही परिवारवाद और काम से है दंगावादी। आगरा में भी योगी के निशाने पर रही सपा, बोले कि मुजफ्फरनगर के दंगे से लाल टोपी रंगी हुई है, लाल टोपी वालों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। फतेहपुर सीकरी में मतदाता संवाद कार्यक्रम में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, अफसरवादियों को सबक सिखाने की जरूरत कहा। नोएडा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया घर घर जाकर प्रचार, कई इलाकों में जाकर पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगे। प्रियंका ने नोएडा में अलग अलग ग्रुप से की बात, युवाओं को रोजगार की जरूरत, इसी मुद्दे पर बात करें, जातिवाद से सिर्फ नेताओं का फायदा होता है। आज से चार दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, लोगों के साथ करेंगे संवाद, समाज के अलग अलग तबकों के साथ मिलेंगे। बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर संघ प्रमुख हुआ महादत्त आज आरएसएस के केंद्रीय प्रतिनिधियों के साथ कोलकाता के केशव भवन में बैठक करेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक करने के बाद बोली सीएम ममता बनर्जी, ऐसे टारगेट करते थे जैसे सरकारी कर्मचारी उनके बधवा मजदूर हैं। राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता को उनका संवैधानिक कर्तव्य याद दिलाया, गवर्नर से प्रशासनिक फैसले की जानकारी देना जिम्मेदारी। आज गोवा जाएंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार। 2 फरवरी को गोवा जाएंगे राहुल गांधी, सीएम प्रमोद सावंत की सीट साखालीम में करेंगे वर्चुअल रैली। बुधवार को कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का साझा मैनिफेस्टो जारी करेंगे राहुल, नॉर्थ गोवा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दुकानों में आग लगी, दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दिल्ली के रिठाला में झुग्गियों में लगी भीषण आग, इलाके में मची दहशत, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पुलिस और कैट्स की टीम भी मौके पर पहुंची। दिल्ली में लाल किले के पास रेड रेंज में फायरिंग, 3 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। धुंधका कांड को लेकर राजकोट में लोगों ने सड़कों पर उतरकर दुकानों में तोड़फोड़ की, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईंट भट्टे पर कमरे की छत गिरने से 3 बच्चों की जान गई, पूरे मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस, आगे की कार्रवाई जारी। देश में एक दिन में कोरोना के 2,09,000 से ज्यादा केस है, 959 संक्रमितों की जान गई। केरल में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 10 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 56 की जान गई। एमपी में कोरोना के 8,000 से ज्यादा केस है, 2 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 6,000 से ज्यादा केसेस, 35 की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी दर्ज, 24 घंटे में 5,879 नए केस मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,190 केस, 24 घंटे में 36 की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 960 नए केस, 11 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 1,200 नए केस दर्ज, एक दिन में 10 की मौत। एमपी में आज से खुलेंगे पहली से 12वीं तक के स्कूल, एक्सपर्ट की सलाह के बाद शिवराज सरकार का फैसला। बंगाल में कोरोना नियमों में ढील, रेस्टोरेंट बार और सिनेमा हॉल 75% क्षमता के साथ खुलेंगे। 3 फरवरी से बंगाल में खुलेंगे 8 से 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान। ओडिशा में रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू, स्कूलों में सरस्वती पूजा की अनुमति। हिमाचल प्रदेश में अब सप्ताह में 6 दिन काम करेंगे सरकारी कर्मचारी, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोहली ने कप्तानी छोड़ने के बाद तोड़ी चुप्पी, बोले टीम की लीडरशिप के लिए कैप्टन बने रहना जरूरी नहीं, धोनी मेरी कप्तानी में खेलने के बाद भी लीडर थे। रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा की कप्तानी का समर्थन किया, बोले कि केएल राहुल को अच्छी तरह नहीं जानता। 2.5 महीने बाद मैदान पर वापसी के लिए तैयार है रोहित शर्मा, पंत और सूर्य कुमार के साथ अहमदाबाद पहुंचे। रणजी ट्रॉफी लीग चरण 16 फरवरी से 5 मार्च तक होगा आयोजित, टूर्नामेंट में 38 टीम हिस्सा लेंगी। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर टिम ब्रेसनन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, काउंटी टीम वॉकशायर से टीम पर जानकारी दी। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रॉजर फेडरर 21 साल में पहली बार ATP रैंकिंग में शीर्ष 20 से बाहर हुए। भारत के यूकी भामरी ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया और प्रजनेश गुगनेश्वरन पहले ही दौर से बाहर। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा पहली बार महिला एकल विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल हुई है, नई रैंकिंग में 6 स्थान का फायदा। पुरुष एकल रैंकिंग में जी साथियान 1 पायदान ऊपर 33वें स्थान पर पहुंचे, भारत शरद कमल 2 पायदान नीचे 34वें स्थान पर। FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय महिला हॉकी टीम का कमाल, चीन को 7-1 से मात दी। भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड, पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय बने। जापान में दोबारा खुला मास वैक्सीनेशन सेंटर, बूस्टर शॉट के लिए लोगों की लगी कतार। सेल्फ डिफेंस फोर्स चला रहा है सेंटर, आगे कुछ और सेंटर खोलने की तैयारी। केन्या में विस्फोट के ऊपर से गुजरी गाड़ी, धमाके में 10 लोगों की मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी जर्मनी के कुसेल में 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या, हमलावर की अब तक पहचान नहीं।
न्यूयॉर्क में यौन शोषण के आरोप में 15 महीने की जेल। भारतीय मूल के शख्स पर नाबालिग से शोषण का आरोप लगा। औरैया में थाने के अंदर कोतवाल को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने धमकाया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। भोपाल में दुल्हन की बारात निकली, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।